हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। आज फिर मैं आपके लिए एक पोस्टर लेके आई हूँ और आप जो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं ऐसे ही अच्छा काम करती रहूँ और आपको मेरा काम पसंद आता रहे, आपका भरपूर सपोर्ट मुझे मिलता रहे और ये खूबसूरत पेंटिंग सीखने में मैं आपकी मदद करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आज फिर मैं आपके लिए एक पोस्टर लेके आई हूँ। इसे मैं हैंडमेड पेपर पे बना रही हूँ। ये हाफ हैंडमेड पेपर है, जो फुल चार्ट पेपर आता है उसका हाफ पोर्शन है जिस पे मैं ये ड्राइंग ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रिपल बॉर्डर बनाया है जिसमें दो कम चौड़े बॉर्डर हैं और एक बीच में चौड़ा बॉर्डर है। इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच के करीब है और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फूल, डाली और पत्ते ड्रॉ कर रही हूँ। ये बॉर्डर हम चारों साइड ड्रॉ करेंगे और जो बाहर के पतले दो बॉर्डर्स हैं उनमें भी हम ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे और फिर उसमें कचनी का वर्क करके उसे भी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो पत्तियां मैं बना रही हूँ इनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, पर ये पत्तियों का साइज़ बड़ा होने के कारण जो हमारा डालियों के बगल का पोर्शन है वो पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसमें जो मैं डबल लाइनिंग्स कर रही हूँ ऊपर की ओर, उसमें भी मैं कचनी का वर्क करूँगी ब्लैक कलर से। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बॉर्डर को कंप्लीट करते हुए हम चारों साइड के बॉर्डर को पूरा कर लेंगे और अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है और अब जो मैं बना रही हूँ वो बीच का फिगर है। हमारे आज के जो पोस्टर है उसका टॉपिक है कृष्ण लीला, यानी राधा और कृष्ण के लीलाओं में से एक है ये। इसमें हम कृष्ण को पैर के बल बैठ कर बांसुरी बजाते हुए दर्शाएंगे और राधा जी को मटकी में पानी भर के लेने के लिए आई हैं वो, लेकिन कृष्ण की बांसुरी सुनने में पानी भरना भूल गई हैं। ऐसा इस पिक्चर को देखकर प्रतीत होगा कि राधा जी बांसुरी सुनने में इतना खो गई हैं कि भूल गई हैं कि वो क्यों घर से निकली थी। फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने पेंसिल से एक बहुत ही हल्की सी स्केचिंग की हुई है जिसमें मैंने राधा जी और कृष्ण जी को बनाया है और साथ में ही एक पेड़ का जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ किया है और ऊपर दो मोर बैठे हुए भी बनाया है मैंने। स्केचिंग बहुत लाइट होने के कारण हो सकता है ना भी दिखाई दे, पर जैसे जैसे ये फिगर बनता जाएगा आपके सामने चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको लगे कि स्पीड बहुत ज़्यादा है और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो की स्पीड कम करके भी चीज़ों को आसानी से देख समझ के साथ में बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, राधा जी की जो तस्वीर है वो अब लगभग लगभग क्लियर हो चुकी है, जिसमें हमने उनका एक हाथ ऊपर की ओर बनाया है, जिसमें हम बाद में कमल ड्रॉ करेंगे, और एक हाथ से हमने उन्हें मटकी पकड़े हुए बनाया है जो कृष्ण की ओर देख रही है और बांसुरी में खोई हुई है। दूसरी ओर अब जो मैं बना रही हूँ वो कृष्ण जी की जो फिगर है उसको कंप्लीट कर रही हूँ मैं। इसमें पहले मैं उनका बाजूबंद और जो भी कुछ हम ज्वेलरीज बनाते हैं सजावट के काम के लिए उसे ड्रॉ कर रही हूँ, और फिर इसके बाद जब ये दोनों फिगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं पेड़ ड्रॉ करूँगी। दोस्तों, अब जो हमारी पिक्चर है मेनली वो लगभग लगभग साफ साफ दिखने लग गई है, और डिज़ाइनिंग का वर्क हम इसमें आगे चल के करेंगे। अब मैं पेड़ ड्रॉ कर रही हूँ जिसका जो मुख्य तना है वो कृष्ण जी के पीछे से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हम ऊपर के दो मोर ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो बचा हुआ पोर्शन होगा वहाँ से हम डालियाँ बनाएंगे गुजरती हुई, और फिर पत्तियाँ बना के इस पूरे पोर्शन को भी फिलअप कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पोस्टर को मैं दो भागों में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने टोटल जो ब्लैक का वर्क किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके बाद फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसके कलरिंग का वर्क कंप्लीट करूंगी। पोस्टर बड़ा होने के कारण एक बार में टोटल कम्प्लीट नहीं होता, तो मुझे लगा कि मैं पहले कम से कम ब्लैक का वर्क आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप भी अपना इतना पोस्टर कम्प्लीट कर लें, बाद में हम कलर का वर्क भी एक साथ कर लेंगे। तो पूरा पोस्टर देखने के लिए इस पोस्टर के साथ सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो और ऐसा ही काम देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो ये पेंटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हों, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।
फ्रेंड्स, हमारे दोनों मोर अब बन चुके हैं और अब इनमें मैं डिज़ाइनिंग का वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। ये वर्क कंप्लीट करने के बाद हम पेड़ में पत्ते ड्रॉ करेंगे। ये पेड़ के पत्ते इस बार थोड़े डिफरेंट होंगे। कॉर्नर्स पे हम एक फूल की आकृति बनाएंगे और उसके बाद उसी से लाइंस बार बार बना के उसे आगे की ओर तब तक ले जाएंगे जब तक कि वो नेक्स्ट लाइन को टच ना कर जाए। इससे ये काफ़ी भरा भरा भी दिखता है और खूबसूरत भी दिखता है। इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम पूरे पेड़ में पत्तियाँ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि ये पूरा जो पेड़ का एरिया है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम पेड़ में कुछ कुछ दूरी पर जो है लाइनिंग्स करके उसको पार्ट वाइज जो है डिवाइड कर देंगे, जिसके बीच में ये जो हमने सिंगल लाइंस खींची हैं इनके बीच में हम मोतियों जैसा जो पैटर्न हम बनाते हैं वो बनाएंगे और बची हुई जो बड़ा एरिया है पेड़ का उसको हम कलर करके बाद में फिलअप कर लेंगे। अब हम राधा जी और कृष्ण जी के जो कपड़े हैं उनमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाएंगे और इनके कपड़ों पे डिज़ाइन बनाने के बाद ये हमें भरा भरा सा दिखने लगेगा। बॉटम एरिया में कुछ जगह खाली है जिसमें हम फूल पत्तियाँ बना के इसे भरेंगे और फिर आप देखेंगे कि हमारा ब्लैक का वर्क लगभग कम्प्लीट हो जाएगा। कलरिंग के टाइम में जो थोड़ा काम बचा रहेगा उसे हम तब कम्प्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस पोस्टर का थीम बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे बनाने की कोशिश भी करेंगे और बनाना एंजॉय भी करेंगे। आपको अगर ये काम पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा ज़रूर, जिससे मुझे और अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। और अगर इसमें कुछ कमी हो तो वो भी प्लीज़ बताएँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट पोस्टर बनाऊँ तो ध्यान रख कमियों को पूरा कर सकूँ और आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर सकूं।
तो फ्रेंड्स, अब ब्लैक कलर का लगभग काम हमारा इस पोस्टर में पूरा हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और भरा भरा सा लग रहा है। केवल ब्लैक का काम होने के बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि जब हम इसमें कलरिंग का वर्क करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तब तक आप इसे बनाएं, इसे ड्रॉ करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे दूर करने की। और वेट करें, नेक्स्ट पोस्टर मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, जिसमें हम इसमें कलर का वर्क करेंगे और जिसे देखने के बाद आपको भी हेल्प मिलेगी। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पोस्टर को पसंद भी करेंगे, बनाएंगे भी। ये एक फाइनल पोस्टर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं, इसकी पिक्चर क्लिक करके भी बना सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक आप इस पोस्टर को बनाइए, स्वस्थ रहिए और अपने कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए।